याद लगा है कि अभी जुल्म और जालिम का अरमान पूरा नहीं हुआ। जुल्म की इतनी बड़ी शिकस्त हुई है जो खुद में एक तारीख एक इतिहास है। जो कुछ हुआ है वो सबने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। हमने ये पर्दा लगाया था इसलिए कि हम आपको उन मसालिन की तस्वीरें दिखाएंगे जो आप पर हुए, लेकिन इरादे को बदल दिया क्योंकि हो सकता है वो देखने के बाद आप अपने ऊपर काबू न रख सके। जिस तरह से बड़े से लेकर छोटे शख्स ने, वर्दी से लेकर बगैर वर्दी वालों ने आपके घर के दरवाजे तोड़े हैं, आपको ठोकरों से मारा है, डंडों और लाठियों से मारा है, औरतों की उंगलियां तोड़ी हैं, बीमारों को खदेड़ा है, और जिस कदर कमजोर और लाचार लोगों को जितना जलील रुस्वा और बर्बाद किया जा सकता था इस सीट को हराने के लिए, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का सवाल था, ये इज्जत का सवाल था, उन लोगों की जिनके बारे में हमने ये कहा है कि अगर कुदरत ने आपको कोई ताकत और फिक्र दिया है तो लोगों की खिदमत के लिए, इंसानों को इंसानी हकूक तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उनके साथ जुल्म करने के लिए सुबह 7 बजे जिस तरह से फौजी काफले, फौज के नहीं मैं ये महावरा इस्तेमाल कर रहा हूं, पुलिस अफसरान टूट पड़े, वो इन बूथों पर टूट पड़े, गांवों पर टूट पड़े, एक दिन नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक हफ्ता कम घरों से उठा लिया गया। प्रधानों को, जिम्मेदारों को, पोलिंग एजेंट्स को, आगे चलने वाले लोगों को कौन इलेक्शन लड़ा, कौन था इलेक्शन लड़ाने वाला, कोई भागा हुआ है, कोई जेल में आए, कोई थानों में बंद है, किसी के दरवाजे टूट रहे, कोई खुद तोड़ा जा रहा है। जुल्म की ऐसी तारीख लिखी गई है शायद नाजियों ने यहूदियों के साथ वो नहीं किया होगा जो इंतजामिया तुमने हमारे और हमारे कमजोर लोगों के साथ किया है। तुम्हें मुबारकबाद इस खुशी के मौके पर, तुम्हें मुबारकबाद। हमारी आहें, हमारी बद्दुआएं उस वक्त तक तुम्हें और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, बेशक जब तक हमारा ये अकीदा कि मजलूम की आह जब आसमान पर जाती है और जब तक सातवें आसमान पर बैठा हुआ मालिक उसकी आह को सुन नहीं लेता, उस वक्त वो आसमान से टकराती रहती है। आएं टकराएंगी इंशाल्लाह। और जुल्म करने वालों, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी जमीर है तो यकीनन तुम अपने जमीर से सवाल करोगे कि उस दिन तुमने क्या किया। कुदरत से टकराने वालों कहो खड़ा है आज, किताब चोर, पेड़ चोर,
जिस पर भैंस चोरी का इल्जाम लगाया है ये प्रोफेसर थी। अरे चुल्लू भर बेहयाई के पानी में मर जाओ डूब कर बेघर को। मुर्गी चोर बकरी चोर कोई शर्म कोई हया कोई गैरत अगर है आईने के सामने आपकी शक्ल लेना मत भूलना क्योंकि आईना भी तुम्हारी शक्ल है। बताना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये कहा था कि 15 वर्ष तक समाजवादी की सरकार नहीं आने वाली है। हरियाणा का अंजाम महाराष्ट्र का अंजाम और गिरती हुई वोटों की तादाद भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने के लिए काफी है।